तो कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों, जो आपका सुबह प्रश्न पत्र है, ठीक है, उसके लिए मैं लगातार तैयारी करा रहा हूँ। आइए एक बेहतरीन सा अपन पेपर सॉल्व करते हैं ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सके। चलिए तो शुरू करते हैं। रोमन साम्राज्य की जो राजकीय भाषा थी वो क्या थी? लेटिन। पेपायरस एक क्या है? पौधा है। चंगेज खान का प्रारंभिक मूल नाम क्या था? तेमुजीन। कैथेड्रल नगर किस देश में है? फ्रांस में। सूक्ष्मदर्शी का जो आविष्कार है वो किसने किया था? तो सूक्ष्मदर्शी का जो आविष्कार है वो रोजर बेकर ने किया था। नॉनकिन की संधि कब हुई थी? 1842 ईस्वी में हुई थी। यहाँ से अपन बात करेंगे तो ये जाएगा आपका, देख सकते हैं यहाँ पर पहले में लेटिन है, ठीक है, प्लांट है, तेमुजीन है, फ्रांस आ जाएगा, रोजर बेकर आ जाएगा और यहाँ से अपना ये सन आ जाएगा, ठीक है। ओल्ड टेस्टामेंट बाइबिल पुस्तक का एक भाग है। रोम आधुनिक इटली देश में स्थित है। सामंती समाज में कृषि दासकों को सर्प कहा जाता था और सामंती व्यवस्था में सर्वाधिक शोषित वर्ग कृषकों का था और माइकल एजिलो आ जाएगा। और बैंक ऑफ जापान की स्थापना 10 अक्टूबर 1882 में हुई थी। ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ऐसे कंप्लीट करेंगे। सही जोड़ी की हम बात करें, असुर बनीपाल का आसीरिया आ जाएगा, सिनेका का आपका हो जाएगा यहाँ पर रोमन दार्शनिक, यास का जाएगा चंगेज खान की विधि सहिंता, पिप का आपको मिलान करना है चौथे का, लॉर्ड द्वारा नाइटस को प्रदत्त भूक्षेत्र, टिथ जो है पांचवा इसका आपका जाएगा चर्च द्वारा किसानों से लिया जाने वाला कर, पोप का जाएगा कैथोलिक चर्च का प्रमुख, जेम्स कुक का जाएगा न्यू साउथ वेल्स। यहाँ से देख सकते हैं अपन बढ़िया से इसको तैयार करेंगे हमारे बच्चे। आगे देखते हैं, ठीक है, मेसोपोटामिया में हैंगिंग गार्डन किस शासक ने स्थापित कराया था? नेबुजा रेजार ने। थोड़ा सा छोटा करेंगे। पुरातन काल में रोम में लेखन सामग्री किससे तैयार की जाती है? पेपायरस से। मठों में रहने वाले भिक्षुओं को किस नाम से दिया जाता था? मोंक। होपी किस प्रकार का समुदाय था? आदिवासी। अफीम का युद्ध किस का संबंध किस देश से है? चीन। पहला अफीम युद्ध हुआ कब हुआ था? 1840 ईस्वी में। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई थी 1948 ईस्वी में। ये देख सकते हैं इतना हो गया है। मेसोपोटामिया ये देखेंगे यहाँ से, मेसोपोटामिया के लोग ताम्र पत्रों पर लिखा करते थे, असत्य हो जाए। रोमन साम्राज्य में संयुक्त परिवार का प्रचलन था, असत्य है। मंगोल यायावरी समाज से संबंधित था, सत्य है, ठीक है। इसके बाद में आपका चर्च द्वारा किसानों पर लिए जाने वाला कल तीर्थ कहलाता है। मध्यकालीन सामंती व्यवस्था पर भूमि पर आधारित थी, सत्य हो जाएगा। सोगुन चीन का शासक था, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं इतना ये हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। मेसोपोटामिया में सभ्यता की प्रमुख दो विशेषताएं लिखनी है। हम्मुराबी की विधि सहिंता की विशेषताएं बताइए। इसके बाद में आगे देखते हैं मेसोपोटामिया की लेखन की विशेषताएं, किलकार लिपि से आप क्या समझते हैं, विशेषताएं बतानी है। रोम के संदर्भ में गणतंत्र की व्यवस्था, थोड़ा छोटा करना दो, ये हो गया। चंगेज खान कौन था? यास के विषय में आप क्या जानते हैं? सामंतवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए, कोई दो विशेषताएं बताइए। मोनेस्ट्री शब्द का अर्थ बताना है। तुर्कों में ने कसुंतनिया पर क्यों और कब अधिकार किया था? इटली पर किन्हीं दो नगरों के नाम लिखिए जो उच्च शिक्षा के केंद्र थे। यहाँ पर हम बात करेंगे पुनर्जागरण काल, पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं? पुनर्जागरण के विकास से में साहित्य की भूमिका की विवेचना कीजिए। नेटिव शब्द का अर्थ समझाइए। सेटलर शब्द का से आप क्या समझते हैं? अमेरिका में रेड इंडियन कौन थे? उत्तरी अमेरिका के संदर्भ में गोल्ड रस के क्या के अभिप्राय को स्पष्ट कीजिए। कन्फ्यूशियस की विचारधारा में चीनी लोगों पर क्या प्रभाव डाला? मेजी पुनर्व्यवस्था से क्या तात्पर्य? जापान में इस प्रकार का क्या प्रभाव पड़ा?
रोमन साम्राज्य में दासों की स्थिति का वर्णन करना है। रोमन साम्राज्य के पतन के कारणों की विवेचना कीजिए। हो गया क्वेश्चन नंबर 16 तक। यास की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। मंगरोलों की हरकारा पद्धति को समझाना है। ये देख सकते हैं यहाँ से अपन बढ़िया से। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19, इनको जरूर करके जानिएगा, है ना बच्चों। बड़ी रिसर्च के बाद आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हर कहीं से उठा के बता रहा हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 22।